कहिए, कैसे याद किया आपने मुझे? मिस्टर नेगी, आप तो जानते हैं कि आज देवधर गांधी कितनी ऊंचाई तक पहुंच चुका है। लोग कानून और पुलिस से ज्यादा गांधी पर भरोसा करने लग गए हैं। वो कहीं भी जाकर किसी के साथ कुछ भी करता है। देवधर गांधी आज आतंक और दहशत का नाम बन चुका है। जानता हूं। वो हर मामले में बच जाता है क्योंकि उसके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं मिलते। अरे, उसके खिलाफ कोई बोलने को तैयार नहीं होता। हमारे क्राइम सेल के इंचार्ज मिस्टर राठौड़ हैं, जो आज तक गांधी पर अंकुश लगाने में नाकाम रहे हैं। मैं चाहती हूं कि वो फाइल मिस्टर राठौड़ के पास रहे, लेकिन केस आप ऑपरेट करें। ये रही उसकी फाइल, इसमें उसके सारे डिटेल्स मिलेंगे। कंधा राठौड़ का, बंदूक मेरी, क्या मैं जान सकता हूं अचानक ये गांधी पर अंकुश क्यों कसा जा रहा है? वो ऐसा है कि... रहने दीजिए उर्मिला जी, रहने दीजिए। अब असली बात मैं आपको बताऊं, गांधी पर आप अंकुश इसलिए लगाना चाहती हैं क्योंकि उसके हाथ उन अमीरों के गले तक पहुंच चुके हैं जिनकी डोनेशन की वजह से आपकी पार्टी चलती है। खैर, इस काम की कीमत क्या होगी मैं आपको शाम तक बता दूंगा, मगर इससे पहले मेरी भी एक बात है। ये ऑपरेशन मैं अपने तरीके से करूंगा और उसमें मुझे किसी की दखलंदाजी पसंद नहीं। बातें कर रही है मां, क्या गलत कर रहे हैं हम लोग? अंजलि का बदला लेना गलत है? उसके जैसे सैकड़ों बेबस लड़कियों के परिवारों की मदद करना गलत है? कानून से खेलने वालों को सबक सिखाना गलत है? मां, वो लोग हमें बदनाम कर रहे हैं, झूठे केसेस बना रहे हैं हम पर। मेरे दोस्तों को कुत्तों की तरह मारा जा रहा है और तू कह रही है कि शहर छोड़कर चले जाए। तू कुछ गलत नहीं कर रहा है, कुछ नहीं, लेकिन फिलहाल हमें इस शहर को छोड़कर जाना है देवधर। नहीं मां, ये शहर छोड़कर नहीं जाएंगे हम लोग। तू आज ये बात इसलिए कह रहा है ना, क्योंकि मैं तेरी सौतेली मां हूं। तू जानता है इस घर में आने से पहले मुझसे क्या कहा गया था? सीता उस घर में एक 3 साल का बच्चा है जिसे संभालने वाला कोई नहीं है। मैं इस घर में किसी की बहू या बीवी बनकर नहीं आई थी, तेरी मां बनकर आई थी। आपकी रजिस्ट्री आई है। कहाँ से? पुलिस डिपार्टमेंट से। माँ, इसका सिलेक्शन हो गया है, जाने देना इसको इंटरव्यू के लिए। इसकी हिम्मत कैसे हुई? तिवाई तू है जो घर से बाहर जाते वक्त भी पूछ कर जाता है। और ये मतलब कि पुलिस में जाने का फैसला कर लिया, मैं बताया तक नहीं? इसीलिए नहीं बताया कि तुम मना कर दोगी। तुझे क्या लगता है तू अकेले सिस्टम को ठीक कर देगा? तू नहीं जाएगा पुलिस में। मैंने फैसला कर लिया है कि मैं पुलिस में जाऊंगा, देखता हूँ तुम कैसे रोकती हो मुझे। उल्टी बात मत कर। सॉरी भैया। मां, मान जाना, जाने देना इसे। मैं तो बस इतना जानती हूं देवा कि अगर ये पुलिस में गया तो पुलिस हमारे घर आएगी।
मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। यस सर। आकाश शर्मा सनफ एसपी शर्मा। तुम्हारी एजुकेशन मेरठ में हुई है? यस सर। भाई तुम्हारे सर्टिफिकेट्स बता रहे हैं कि तुम एक अच्छे स्टूडेंट ही नहीं बल्कि बहुत अच्छे स्पोर्ट्समैन भी हो। यू हैड ऑल द ऑप्शंस। ये पुलिस फोर्स ही क्यों? मैं पुलिस फोर्स की बहुत रिस्पेक्ट करता हूं सर, और मैं समझता हूं कि समाज में पुलिस की भूमिका बहुत अहम है। अच्छा, तुम्हारे इस डिसीजन पर तुम्हारे फादर का क्या रिएक्शन था? मेरे फादर नहीं है सर। ओ। मेरे बड़े भाई ने मुझे बहुत सपोर्ट किया है सर। तुम्हारे बड़े भाई क्या करते हैं? जी वो रिक्शा चलाते हैं। आई सी। भाई एक रिक्शा चलाने वाला आदमी अपने छोटे भाई को इस तरह पढ़ा लिखा कर इस मुकाम पर पहुंचा है, ये तो बहुत बड़ी बात है, काबिले तारीफ है। मैं तुम्हारे भाई से मिलना चाहूंगा। श्योर सर, मैं खुद ने भेजूंगा सर। वेल यंग मैन, यू आर सिलेक्टेड फॉर द ट्रेनिंग। Wish you all the best. Thank you, sir. Thank you very much. You're welcome. भैया मैं सेलेक्ट हो गया। अच्छा? भैया मैं सेलेक्ट हो गया। मेरी डिग्री देखकर सर बहुत खुश हो गए, आपके बारे में पूछने लगे, और जब मैंने उन्हें ये बताया कि मेरा भाई रिक्शा चलाता है तो वो और ज्यादा खुश हो गए। इनफैक्ट वो तो आपसे मिलना भी चाहते हैं। ठीक है, मैं उन्हें मिल लूंगा, लेकिन पहले जाकर माँ को ये खुशखबरी दे। ओके भैया। लगा के ट्रेनिंग करना जी, और घर की फिक्र बिल्कुल मत करना जी। भैया ये रख, रास्ते में काम आएंगे। भैया साहब, आपसे कोई देवधर शर्मा नाम का आदमी मिलने आया है। नमस्ते। नमस्ते। मैं आकाश शर्मा का भाई हूं, आपने मुझे बुलाया था। प्लीज सिट डाउन। भाई तुम्हारे छोटे भाई ने जब मुझे बताया कि रिक्शा चला चला के किस तरह तुमने मेहनत करके उसे इस मुकाम पर पहुंचाया, मैंने सोचा मुझे तुमसे जरूर मिलना चाहिए और मुबारकबाद देना चाहिए। आकाश एक बहुत ही भाग्यशाली लड़का है जिसे तुम जैसा भाई मिला। इसमें तो उसकी अपनी मेहनत और लगन है, मैंने तो उसे नहीं नहीं बिल्कुल गलत। अगर तुम्हारा सपोर्ट नहीं होता तो उसे इस मुकाम पे आने में बहुत देर लगती। Now he has been selected. Wish you all the best. Thank you.